लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। 1962 में बनी ये कार शनिवार को कैलिफोर्निया के मोंटेरी में नीलाम हुई। अगर आप इसकी नीलामी की कीमत जान लेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ये कार रफ्तार और परफॉर्मेंस के लिहाज से दुनिया भर में लोकप्रिय ब्रांड फरारी की कार है। शायद इसलिए इस कार की नीलामी आज की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ रही। फेरारी 250 GTO नामक इस कार का 1962 में बना मॉडल शनिवार को नीलाम हुआ। बता दें, नीलामी में कार 4,84,05,000 डॉलर यानी लगभग 338 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। अब ये कार दुनिया की सबसे महंगी नीलाम हुई कार बन गई है, जबकि इससे पहले साल 2014 में एक कार सबसे महंगी नीलाम हुई थी। फेरारी GTO की कार की रिकॉर्ड कीमत इसलिए भी लगी क्योंकि यह बेहद सिंपल और गुड लुकिंग कार है। दूसरा, ये फरारी की सबसे सफल रही रेसिंग कारों में से एक है। इस कार से 1962 इटालियन GT चैंपियनशिप जीती गई थी। इसके साथ ही इसने 1962 से 1965 के बीच 15 से ज्यादा रेस जीती। इसे चलाने वालों में फिल हिल भी शामिल रहे हैं, जो कि फॉर्मूला 1 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन बनने वाले पहले अमेरिकी हैं। पूर्व मुख्य सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट डॉक्टर ग्रेग व्हिटन ने इस कार को खरीदा है। बता दें, ग्रेग पिछले 18 साल से माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का निर्माण किया था।